सलमान खान की गिनती आज देश के सबसे महंगे और तगड़ी कमाई करने वाले सुपरस्टार्स में होती है। आज आलम ये है कि सलमान के पास ढेरों फिल्मों के ऑफर मौजूद हैं। हर फिल्म मेकर, हर हीरोइन उनके साथ काम करने के सपने देखती हैं। लेकिन एक टाइम पर कभी ऐसी भी सिचुएशन थी कि फिल्म मेकर सलमान को साइन करने से भी कतराते थे। भले ही सलमान के पिता सलीम खान की बॉलीवुड में सॉलिड इमेज थी, लेकिन एक्टर ने कभी अपने पिता के नाम का इस्तेमाल काम पाने के लिए नहीं किया। तभी तो डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया से पहले और बाद में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा और कई महीने खाली तक भी बैठना पड़ा था। लेकिन क्या आपको पता है कि जब सलमान मैंने प्यार किया से स्टार बने तो फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने कई फिल्में साइन की। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि सलमान की कुछ फिल्में ऐसी भी रही जो डिब्बा बंद हो गई और कभी बंद नहीं पाई। इनमें से कोई आधी शूट हो चुकी थी तो किसी का कुछ हिस्सा शूट हुआ था। तो चलिए बताते हैं आपको कि वो सलमान की कौन कौन सी फिल्में हैं। रणक्षेत्र, भाग्यश्री और सलमान खान की जोड़ी ने मैंने प्यार किया से सुपरहिट डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद भाग्यश्री और सलमान खान ने एक साथ रणक्षेत्र नाम की फिल्म साइन की थी, लेकिन इसी बीच भाग्यश्री ने शादी कर ली और फिल्में छोड़ दी। इसी के साथ सलमान खान की ये फिल्म भी बीच में रुक गई और फिर डिब्बा बंद हो गई। सैया, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिभा सिन्हा पहले सलमान खान की फिल्म सैया से डेब्यू करने वाली थी। फिल्म में जूनियर महमूद और माला सिन्हा भी थे। इस फिल्म का मुहूर्त शूट भी हुआ था, लेकिन किसी वजह के चलते ये फिल्म कभी भी बन नहीं पाई। दिल है तुम्हारा, इस फिल्म में सलमान खान के अलावा सनी देओल और मीनाक्षी त्रिशादरी को साइन किया गया था। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे। फिल्म का एक शेड्यूल पूरा हो चुका था, शूटिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, लेकिन इसी फिल्म के बीच राजकुमार संतोषी ने बॉबी देओल की फिल्म बरसात साइन कर ली और शेखर कपूर को रिप्लेस कर दिया। इस वजह से सलमान के साथ दिल है तुम्हारा बीच में ही अटक गई और उसी हाल में रह गई। घेराव, फिल्म घेराव में सलमान खान और मनीषा कोइराला साथ नजर आने वाले थे। राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म का मुहूर्त भी कर लिया था, लेकिन मुहूर्त के बाद ये फिल्म बंद हो गई। नो एंट्री में एंट्री फिल्म को लेकर अब तक कई अपडेट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नो एंट्री में एंट्री सलमान खान और बोनी कपूर के बीच हुए विवाद के बाद ठप हो गई थी। हैंडसम, फिल्म हैंडसम में सलमान खान और संगीता बिजलानी लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की मेकर्स ने घोषणा तक कर डाली थी, लेकिन बाद में फिल्म को बंद कर दिया गया। एंड फिल्म 10, संजय दत्त और सलमान खान की फिल्म 10 को प्रोड्यूसर मुकुल एस आनंद के निधन के बाद बंद कर दिया गया था। इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त के अलावा कई स्टार्स नजर आने वाले थे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।